प्यार कभी जात पात नहीं देखता है, ऊंच नीच नहीं देखता है, गोरे काले का भेद नहीं होता है, क्योंकि प्यार जो होता है, दिल जो होता है किसी पे जा सकता है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। ऐसी एक कहानी है कि एक गरीब लड़की और एक आईएएस अधिकारी जो होता है उस पर दिल दे बैठता है। आइए, बड़ा ही रोचक कहानी है, एक बार आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव, ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी कोटा की है, कोटा में एक यूपीएससी तैयारी करने वाला लड़के की है जो कि गरीब लड़की पर दिल दे बैठता है और ये बिहार गया का रहने वाला होता है। थोड़ा समय निकाल करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अवश्य पूरी सुने। दोस्तों, राजेश नाम का जो लड़का होता है, राजेश ये बिहार गया का रहने वाला था और ये कोटा में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए चला जाता है। दो तीन बार थोड़े थोड़े नंबर से ये पिछड़ जाता है, इसकी जॉइनिंग नहीं हो पाती है। वहां जाकर के ये पढ़ाई करता है। परिवार तो खैर न ज्यादा हाई था और न ज्यादा गरीब था, मीडियम साज इसका राजेश का परिवार था। वहां जाकर के एक मकान होता है, एक उनसे कहता है ताऊ मुझे किराए पर रहना है, तो वो वहां रहता है। वहां रह करके अपनी पढ़ाई करता है, बड़े प्यार से अच्छी तरीका से तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद और अपना जो भी एग्जाम होते हैं, जो तैयारी होती है यूपीएससी की, आईएएस अधिकारी की, वो तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद एक दिन अपने रूम में इधर से उधर बार बार चक्कर लगाए जा रहा था। ये समय है 2013-14 की बात है, तब इतना इंटरनेट जागरूक नहीं था, सक्रिय नहीं था। उस समय पेपर से ही काम निकाला जाता था, तो पेपर के चक्कर में देख रहा था, जो पेपर लेकर के उसके घर आते थे उनके चक्कर में घूम रहा था कि कब पेपर आए और हमें अपने रिजल्ट का पता चले, क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ या पास हुआ हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने गरीबाई में पैसा इकट्ठा करके कई एक बार मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वो इधर से उधर टहले जा रहा था, सोच रहा था क्या हमारा इसमें नंबर आएगा या नहीं आएगा। तब तक क्या देखता है कि एक लड़की उधर से पेपर लेकर आ रही है। लड़की पेपर लेकर के आ रही है और उस लड़की ने आकर और उसे राजेश को पेपर दे दिया। उस लड़की का नाम होता है प्रिया। प्रिया जो होती है मकान मालिक होता है उसकी लड़की होती है, लेकिन ये पढ़ी लिखी कम होती है, नॉर्मल पढ़ी लिखी होती है, अनपढ़ जैसे मान लो। पेपर को देखता है, देखने के बाद रोल नंबर अपना खोजता है और रोल नंबर के बाद जब देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। सोचता है क्या हकीकत में मेरा नंबर एक कलेक्टर बनने का आ गया है, आईएएस अधिकारी बनने का मेरा नंबर आ चुका है। अब मारे खुशी से और उसके आंसू निकल आते हैं। कहते हैं कि आंसू दो बार निकलते हैं, एक तो दुख हो तब भी निकलते हैं और एक ज़्यादा खुशी हो तब भी आंसू इंसान के निकल आते हैं। अब मारे खुशी से जब वो इधर उधर टहल रहा था कि उसे यही नहीं चल रहा था कि मैं एक अधिकारी बन चुका हूँ। तब तक प्रिया आती है, पूछती है आखिरकार बात क्या है, आपकी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं। तो वो कहता है आज मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है और अब मेरी मुराद, मेरे माता पिता की मुराद पूरी हो जाती है, आज सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद में जो प्रिया होती है उस लड़के को चाहती थी और उसने सोचा अगर इसने ऐसा किया है तो शादी, क्यों मैं पढ़ी लिखी तो इतनी हूँ नहीं जो मेरी शादी हो जाए। लेकिन उस लड़की ने उस आईएएस अधिकारी की मदद की, जब पैसा खर्च होता था तब उसे पैसे देती थी और उसकी मदद करती थी और समय समय पर उसे खाना भी खिला देती थी, अपने घर पर रुकता था तब। दोस्तों, ऐसे समय चलता गया, लेकिन प्रिया जो होती है कहती है कि तुम जा रहे हो कब लौट करके आओगे, मैंने तुम्हें अपना हम सफर समझ रखा है। तो कलेक्टर साहब होते हैं पहले से ही फैसले हुए होते हैं, सोचते हैं अगर आपने मेरी मदद की है तो हम भी तुम्हें चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम लौट कर दोबारा आएंगे। दोस्तों,
उसके बाद में वो जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं होता कि कुछ खाना बना के खा लेता कुछ, क्योंकि पैसा इधर से उधर करके उतना ही पैसा पर्याप्त होता था। लेकिन जब इधर उधर जेब टटोलता है तो उस पर पैसे निकल आते हैं, लेकिन पैसे उतने होते हैं दोस्तों जो कि वो अपने घर कोटा से गया तक पहुंच सके, उतना ही किराए के पैसे थे। अब खाना बनाने के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन तब तक प्रिया आ जाती है, पूछती है आखिरकार बात क्या है राजेश, आप इतने उदास क्यों हो। बोले कुछ नहीं, बोले खाना नहीं बनाया, बोले खाना मूड नहीं है। तो प्रिया कहती है खाना घर पर तैयार हो गया, जाती है बाकी थाली लेके आती है और अपने हाथों से उस लड़के को खिलाती है और कहती है कभी फिर मुलाकात होगी। लेकिन राजेश कहता है मुलाकात होने की बात तो यह है कि मैं तुम्हें दिल और जान से चाहता हूँ, एक दिन लौट कर अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हें अपना हम सफर अवश्य बनाऊंगा। इतनी कहकर राजेश कहता है अब मुझे जाने दो, क्योंकि माता पिता को बगैर टेलीफोन की सूचना देना चाहते हैं। लेकिन सूचना की कहकर के वो वहां से चला जाता है। लेकिन जो प्रिया होती है उसके घर पे टेलीफोन कर देती है कि राजेश ये कलेक्टर बन चुका है। राजेश ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ने के बाद वो सीधा गया पहुंचता है और वहां से बस पकड़ता है अपने गांव में पहुंचता है। तो गांव के लोगों ने सुना कि एक होनहार लड़का आईपीएस अधिकारी बना है, तो उसके स्वागत के लिए ढोल गाजे बाजे फूल मालाएं लोग लेकर के और बस का इंतजार कर रहे थे। तब तक वो राजेश उतरता है तो लोग बड़ा स्वागत करते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि गांव का नाम रोशन किया है, हमारा लड़का अधिकारी है। तो सबको गरूर होता है, गर्व होता है। आज वही राजेश का स्वागत लोग करते हैं, गर्दन में माला डालते हैं, उसे गोदी में उठा लेते हैं। लेकिन वो अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं सबके पैर छूता है, सबका आशीर्वाद लेता है और घर पहुंचता है। माता पिता का भी गर्व से सीना चौड़ा होता है, कुछ समय के लिए रुकता है, रुकने के बाद और सबकी हाव भाव खबर लेता है सब लोग कैसे रह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो वो होता है कहता है राजेश के मैं दोबारा फिर कोटा जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ और भी हमें पढ़ाई की ज़रूरत है। तो माता पिता से कह करके चला आता है और वहाँ जब पहुँचता है महीने दो महीने के बाद जो प्रिया के पिताजी होते हैं वो घर पर मिलते हैं, लेकिन वो कुछ अस्वस्थ जैसे थे, एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। पहुंचता है राजेश, उनके पैर छूता है और कहता है ताऊजी ठीक तो हैं, लेकिन वो भारी मन से कहते हैं बेटा ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पूछता है कि प्रिया नहीं दिखाई देती है। जब ये कहा प्रिया नहीं दिखाई देती है तो वो रोने लगते हैं, बोले प्रिया बेटा किसी के साथ चली गई। तो वो भी उदास हो जाता है। उदास होने के बाद कुछ समय के लिए वहां रुकता है, रुकने के बाद और उसका कॉल लेटर आता है, अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर जाने के बाद एक अधिकारी होने के नाते और राजेश जो होता है एक गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी जब खरीद लेता है और गाड़ी से छुट्टी लेकर घर जाता है, घर जाने के बाद और अपने माता पिता से कहता है कि हमारी जॉइनिंग हो चुकी है और आप चिंता मत करो, सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अरुण। वो अरुण जो होता है वो कानपुर का रहने वाला होता है, क्योंकि जो प्रिया होती है, प्रिया थी लड़की, उसके मित्र को जानती थी अरुण को। प्रिया वहां से भाग करके चोरी छुपे अरुण के घर पहुंच जाती है। दोस्तों उधर अरुण फोन करता है कि राजेश एक बार घर पर जरूर आओ, तुम्हारी याद सब घर के लोग करते हैं, जब से तुमने ड्यूटी जोन की है तब से घर पर भी नहीं आए, और पहले आते जाते रहते थे, अब कब भूल गए हो। उसके बाद में वो कहता है ठीक है, मूड खराब रहता है, कभी कभी वो पी भी लेता था। माता पिता ने कहा ऐसा क्या है जो आप शराब पीते हो। कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा टेंशन होता, हार थक जाता हूँ इसलिए थोड़ी दारू वारू पी लेता हूँ। लेकिन राजेश जो होता है प्रिया के ब्रह में दारू पीना शुरू कर देता है। इधर जो उसका अरुण मित्र होता है कहता है दोस्त घूमने जरूर आओ, उसने नहीं बताया कि प्रिया यहाँ पर है, हमारे यहाँ घूमने आप अवश्य आइए, क्योंकि हमारे बच्चे भी आपकी याद कर रहे हैं, जरूर आइए। उधर वो होता है अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चलता है और वो कानपुर आ जाता है। कानपुर आने के बाद और अपने मित्र अरुण के घर पहुंचता है। अरुण की पत्नी होती है, अरुण की पत्नी जब देखती है तो बड़ा स्वागत करती है और पानी वगैरह की सब व्यवस्था करती है। और उधर जो प्रिया होती है उसके घर पर रह करके
झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करती है। जैसे ही वो पहुंचता है और किचन के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसकी आंखें चौंधे आ जाती हैं। सोचता है ये क्या है, प्रिया जो होती है बर्तन साफ कर रही होती है। देख करके आईएएस अधिकारी और उसे देख करके ये नहीं महसूस होता कि हकीकत में ये प्रिया है या कोई और है। दोस्तों, प्रिया जब उसे देखती है तो उसके आंसू टप टप बहने लगते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी जो होता है वो कहता है प्रिया तुम यहाँ कैसी हो, तो वो पूरी बात बताती है, उसके गले लग जाती है कि तुम्हारी याद में तुम्हारे मित्र को मैं जानती थी, इसलिए यहाँ आ गई हूँ मैं, अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे पास पढ़ाई लिखाई तो नहीं है लेकिन मेरे पास मोहब्बत का इजहार दिल है, मैं तुम्हें दिल भी दे चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें दिल और जान से चाहती हूँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दोस्तों, तब तक उसका मित्र अरुण आ जाता है, सब लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे नौकरी लगी, और सब लोग बड़े प्यार से अपनी अपनी बातें करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब समय और गुजरता है, गुजरने के बाद दो चार दिन रुकता है, जब चलने को तैयार होता है तो प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। राजेश जो होता है कहता है कि प्रिया मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता, अब मैं जो चाहता था मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं अधिकारी बन चुका हूँ, तुम पढ़ी लिखी बिल्कुल कम नहीं हो लेकिन आपका हाथ है जो हमें बढ़ाने में, तुमने समय समय पर प्रिया मेरी मदद की थी, उसी मदद के द्वारा मैं आगे बढ़ा हूँ और इसमें आपका संयोग है, आपका हाथ है, आपने जो हमारे साथ किया है वो अच्छा किया, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। जब चलने को तैयार होता है तो उस प्रिया को गाड़ी में बैठाता है और अपने घर लेकर पहुंच जाता है। जब अपने घर पहुंचता है उसके माता पिता देखते हैं तो वो पूरी बात बताता है, पिताजी इसी लड़की का मेरे साथ पूरा हाथ था और मैं इसीलिए दारू पीता था, इसी के लिए, मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं है लेकिन इस लड़की की कमी थी, वो लड़की आज मुझे मिल चुकी है और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इधर उस लड़की प्रिया के पिता के लिए फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी प्रिया हमें मिल चुकी है और हम एक आईएएस अधिकारी हैं और तुम्हारी प्रिया के साथ हम शादी करना चाहते हैं। तो उसके पिता मारे खुशी से झूमने लगते हैं कि मेरी लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी थी और उसने अपना लिया, राजेश ने अच्छा किया। उधर वो भी आते हैं, बड़ा धूमधाम से उन दोनों का विवाह रीति रिवाजी के अनुसार उन दोनों का विवाह किया जाता है। विवाह करने के बाद बड़ा खुशियाँ मनाई जाती हैं, सब लोग जैसे बारात जाती है वैसे बारात आती है, सब लोग बड़ा प्रसन्न रहते हैं और बड़े हर्ष उल्लास से वहाँ शादी होती है प्रिया और राजेश की। बड़ा हर्ष उल्लास वहाँ होता है और वो पति पत्नी बन करके दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी इतनी है लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, क्या राजेश ने उस प्रिया के साथ सही किया, ऐसा करना चाहिए था, कमेंट करके अवश्य बताइए। और क्योंकि आपका कमेंट हमें बड़ा प्रिय है और आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, और एक लाइक अवश्य कर दें ताकि वीडियो की रैंक आगे बढ़ सके, क्योंकि कहानी जो हमने सुनाई है एक पारिवारिक कहानी है और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मैं पारिवारिक कहानी हमेशा लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है कि परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कहानी इतनी है बस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।